तो दोस्तों आज हम बनाएंगे आलू दाल चावल के साथ खाई जाने वाली। तो आलू को हम फिंगर साइज के आलू को काट लेंगे। इस तरह से पतला काटना है, जैसे आलू को छील करके और ऐसे इतना बड़ा बीच में से ये छुरी मार लेंगे और उसके बाद कटिंग कर लेंगे। तो ये आलू को मैंने काट लिया है, ये देखिए, दिखाने के लिए मैंने एक आलू छोड़ा हुआ था। तो इस तरह से ऐसे हमें काट लेना है। उसके लिए हमें चाहिए 3 हरी मिर्च और आधी चाय की चम्मच जीरा तड़का लगाने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस जला के मैंने कढ़ाई रख दिया है। अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल, 50 ग्राम सरसों का तेल है ये। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। हरी मिर्च को मैंने काट लिया है, जिस साइज में हमने आलू काटा है उस बिल्कुल उसी हिसाब से मिर्च को भी हमें काट लेना है। लाल मिर्च का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर मैं हरी मिर्च के साथ ही बनाती हूँ। तो इसे डाल देंगे तेल में। जीरे को अच्छे से चटकने देंगे और हरी मिर्च भी थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा। तो जीरा हमारा चटक चुका है, अब आलू डाल देंगे। अब इसमें जाएगा थोड़ी सी हल्दी पाउडर कलर के लिए, स्वाद अनुसार नमक। एक अच्छे से मिला देंगे, पानी बिल्कुल नहीं डालना है। अक्सर ये गर्मियों में आलू बनाई जाती है दाल चावल के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठों के साथ भी खा सकते हैं इस आलू को, लेकिन दाल चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे ढक देंगे और गैस को बिल्कुल हल्का रखेंगे, ये देखिए। इसे ढक देते हैं, 5 मिनट के बाद देखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं आलू को पकते हुए, देख लेते हैं। ये देखिए, इसे पलट लेंगे एक बार। बहुत जल्दी बनता है ये। आलू देख लेते हैं कितना गला है, बस गलने वाला है। 2 मिनट इसे और पकाएंगे, फिर से ढक देते हैं। 2 मिनट और हो चुके हैं, देख लेते हैं। आलू हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च इसमें बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आता है आलूओं में। मिला देंगे काली मिर्च को। ये देखिए, 2 मिनट और काली मिर्च के साथ पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं काली मिर्च के साथ ही पकते हुए, ये देखिए। अब तैयार हो चुका है, गैस को बंद कर देंगे। बहुत ही मजेदार दाल चावल के साथ तो इतना टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी। लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं इसमें इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ हरी मिर्च के साथ बनाई जाती है। तो गैस को बंद कर देते हैं और प्लेटिंग करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, मैंने प्लेटिंग कर लिया है। दाल चावल के साथ इसे खाई जाती है, आलू को बहुत टेस्टी लगता है साथ में सलाद। तो आलू की रेसिपी कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं कि आने वाली वीडियो आसानी से आप लोगों को मिल जाएगी।
तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नई रेसिपी के साथ।